प्लेयर देखो, सीएस रैंक के रैंडम प्लेयर भी ना एकदम आम के सीजन की तरह होते हैं, कभी बढ़िया आते हैं तो कभी घटिया। और उसी आम के सीजन की तरह इस चैनल पे सीएस रैंक की वीडियो भी भाई लगभग 6 से 7 महीने बाद आ रही है, क्योंकि बहुत टाइम से सीएस रैंक पुश की टिप्स लगभग सेम ही चल रही थी मार्केट में कि फर्स्ट राउंड में M500 ले लो, G18 ले लो, ये ले लो, वो ले लो। और यार एक ही टिप्स को बार बार बताने का टैलेंट मेरे अंदर तो नहीं है। लेकिन अब ना फ्री फायर वालों ने सीएस रैंक में काफी चेंजेस कर दिए हैं, जैसे कि मैप भी चेंज हो गया है और थोड़े थोड़े कैरेक्टर भी आ चुके हैं गेम में बढ़िया बढ़िया। और साथ ही में उन्होंने अपने दिल पे पत्थर रख के डबल एक्टिव स्किल का ऑप्शन भी लेके आ गए। इसीलिए आज तुम्हारा भाई सीएस रैंक पुश करने की 3 ऐसी ट्रिक बताएगा जिसको देख के अप्लाई करने के बाद तुम्हारी रैंक को बढ़ने से तो भाई खुद रैंडम प्लेयर भी नहीं रोक पाएंगे। नहीं यार, वैसे वो तो फिर भी रोक लेंगे, जलवा है हमारा। तो बस फटाफट से इस वीडियो को लाइक मारो और चैनल को सब्सक्राइब मारो और वीडियो देख के अपने एनिमीज को मारो। और हाँ, जो रैंडम प्लेयर बीच में गेम छोड़ के जाते हैं ना, उनको भी एक भर के रैप्टा मारो। तो देखो, इस वीडियो की तीनों ट्रिक्स को मैंने 3 अलग अलग चीजों में डिवाइड कर दिया है, जैसे कि तामझाम, अटैक और माइंडसेट एंड स्ट्रेटजी। और ये माइंडसेट और स्ट्रेटजी वाला पार्ट ना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसीलिए भाई उसे तो बिल्कुल भी मिस मत करना। तो सबसे पहले बात करते हैं सीएस रैंक में यूज होने वाले तामझाम के बारे में, मतलब आपको सीएस रैंक में क्या क्या चीजों का यूज करना है। तो उसमें सबसे पहली जो चीज आती है उसका नाम है एक तगड़ा सा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन। तो आजकल के टाइम पे ना एक कैरेक्टर है भाई जो कि ना काफी ज्यादा बढ़िया चल रहा है टाइम पे, और पावर भी उसकी भाई बहुत ही ज्यादा मस्त हो गई है इस अपडेट के बाद। और उस कैरेक्टर का नाम है मिस्त्री, मेरा मतलब है डिमित्री। बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। तो मैं आपको डिमित्री कैरेक्टर यूज करने के लिए इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सीएस रैंक में आपको हमेशा वही कैरेक्टर यूज करना चाहिए जो कि आपके साथ साथ आपके टीममेट की भी किसी न किसी तरीके से हेल्प कर दे। और ये डिमित्री कैरेक्टर ना आपकी और आपके टीममेट्स की एक बार में 120 हेल्थ बढ़ा देगा, और साथ ही में इसके सर्कल में आपका कोई टीममेट आएगा ना तो वो भी भाई अपने आप ही रिवाइव होने लग जाएगा और 5 सेकंड में उठ के खड़ा भी हो जाएगा। तो इसका यूज आप ऐसे कर सकती हो कि अगर आपको दिख रहा है कि आपका दोस्त कहीं पे नॉक पड़ा है और उधर एक एनिमी भी है, तो बस आप लोग भागते भागते वहाँ पे जाओ और अपने दोस्त के पास वो डिमित्री कैरेक्टर का स्किल वाला बटन दबा के अपने एनिमी पे फायर करने लग जाओ, जिससे कि आपका एनिमी आपके ऊपर बिजी हो जाएगा और आपका दोस्त भी पीछे से रिवाइव हो जाएगा। और इस डिमित्री के साथ साथ मैक्सिम लगा लेना, कैली लगा लेना और जोटा लगा लेना। और बात रही पेट की, तो भाई सीएस रैंक के लिए एक ही पेट बना है बीस्टन, तो उसी को लेके जाना। और सिर्फ लेके ही मत जाना भाई, उससे ग्रेनेड भी फेंकना, पहुंच जाते हो डायरेक्ट ही एनिमी के पाले में। तो आप ना ग्रेनेड को लेके कहीं पे बैठ जाया करो और ड्रॉप के गिरने का वेट किया करो, और जब ड्रॉप गिरता है ना तो उसको लूटने के लिए कोई ना कोई एनिमी तो उधर आता ही है, तो बस आप लोग उधर ही ग्रेनेड को कुक करके फेंका करो। और बहुत सारे लोग यार लोड आउट में कंफ्यूज हो जाते हैं कि लोड आउट क्या लेके जाना है, तो भाई लोड आउट में सीएस रैंक में आपको हमेशा बॉर्न फायर को ही लेके जाना है। और हाँ, अगर हो सके ना तो भाई प्लीज अपने किसी ना किसी एक दोस्त को तो लेके ही जाना भाई, क्योंकि यार आपका दोस्त आपकी बातें सुन भी लेगा और आपको इक्विपमेंट मांगोगे तो वो आपको दे भी देगा। लेकिन रैंडम प्लेयर तो यार बहुत हरामी होते हैं, अगर उनके पास 50,000 कॉइन भी हुए ना तो भी भाई उसके अंदर से वो आपको एक चवन्नी भी नहीं देने वाले। इसीलिए जिंदगी में एक पक्का यार तो होना भाई बहुत ज्यादा जरूरी है। बस लाएगा क्या? और अगर तुम्हारे पास कोई भी स्क्वाड नहीं है साथ में खेलने के लिए, मतलब जिंदगी में तुम भी अकेले खेल रहे हो फ्री फायर, ठीक है, तो फटाफट से ना अपनी यूआईडी और आईडी का लेवल कमेंट कर दो, और उसके रिप्लाई में आपको कोई ना कोई बंदा तो पक्का मिल जाएगा जो कि आपकी तरह ही अकेला होगा, तो फिर आप लोग उसके साथ स्क्वाड बना के खेल सकते हो। और अगर मेरे को कोई बढ़िया बंदा लगा तो मैं भी उसको रिप्लाई करके अपनी स्क्वाड में ले लूंगा, बस यूआईडी और लेवल कमेंट कर दो। और क्या कर रहे हो यार, लाइक भी कर दो, बहुत मेहनत लगती है भाई एक इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट लिखने में। अब बात करते हैं सेकेंड नंबर टिप की, जिसका नाम है अटैक। अब देखो, सीएस रैंक के एक भी मैच को आप बिना अटैक करे तो बिल्कुल भी नहीं जीत सकते, क्योंकि भाई जब तक बंदों को आप मारोगे नहीं तो फिर जीतोगे कैसे। तो मैं ना आपको रैंडम प्लेयर के साथ खेल के अटैक करने की सबसे बेस्ट ट्रिक बताता हूँ, जो कि हर राउंड में काम आएगी और हर बंदा आसानी से यूज कर सकता है। तो भाई देखो, जैसे ही राउंड स्टार्ट होता है तो हर बंदा किसी न किसी लोकेशन पे जाता है, तो बस आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस आपको किसी भी एक टीममेट के पीछे चलते जाना है। तो इससे हुआ क्या कि जब कोई भी एनिमी सामने आएगा तो वो सबसे पहले उस टीममेट पे फायर करेगा जो आगे होगा। तो उस टाइम पे ना भाई आपके अंदर इतना टैलेंट तो होना ही चाहिए कि आप उस एनिमी को मार दो, क्योंकि वो एनिमी ना तो आपके ऊपर फायर कर रहा और ना ही उसका ध्यान आपके ऊपर है। और जब हम कोई भी ई-स्पोर्ट मैच देखते हैं तो उसके अंदर भाई हमें क्या देखने को मिलता है, उसके अंदर एक बहुत तगड़ा टीम कोऑर्डिनेशन होता है। मतलब कोई एनिमी अगर उनके सामने आता है तो पहले एक बंदा जाता है, उसके पीछे दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, है ना, और साथ में चारों के चारों अलग अलग पोजीशन से भी जाते हैं। इसीलिए अगर आपको दिखे
एनिमी की कहीं पे फाइट हो रही है और आपके दो टीममेट उधर हैं और दो एनिमी भी हैं, तो आप भी भाई अपने दोस्तों के पीछे जाके मत खड़े हो जाया करो। आप उस मौके का फायदा उठाया करो और घूम के एनिमी के पीछे चले जाया करो, है ना, या फिर ग्रेनेड वगैरह है तो पहले वो फेंक दिया करो। अब जो थर्ड नंबर टिप है उसका नाम है माइंडसेट एंड स्ट्रेटजी। और भाई यहाँ से ना, यहाँ तक वीडियो देख लिया तो आप एंड तक भी देख लेना। तो भाई देखो, सीएस रैंक में ना एक तगड़ा माइंडसेट और एक अच्छी स्ट्रेटजी बहुत मायने करती है। और अगर मैं सच बताऊं तो अगर आप लोग सीएस रैंक के किसी भी मैच को सीरियस होके खेलोगे तो ज्यादा मैच हारोगे। इसीलिए आप ना हमेशा एकदम चिल होके खेला करो सीएस रैंक मोड को, ठीक है। अब बात करें स्ट्रेटजी की, तो मैं आपको बहुत सारी स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ अब, ठीक है। तो सबसे पहले बताता हूँ फर्स्ट राउंड के लिए। तो फर्स्ट राउंड के लिए मेरे पास एक बहुत बढ़िया ट्रिक है जो कि आपको हमेशा यूज करनी चाहिए। तो आपको फर्स्ट राउंड में ना कभी भी का मतलब कभी भी अकेले नहीं जाना है, क्योंकि फर्स्ट राउंड के अंदर हमारे पास ग्लूवल भी नहीं होती। और अगर आप लोग ऐसे में अकेले गए और सामने दो बंदे आ गए और उनके पास अगर यूएसपी हुई और आपके पास चाहे फिर G18 भी क्यों ना हो, तो वो दोनों यूएसपी वाले बंदे आपको मार के दम लेंगे। इसीलिए किसी ना किसी बंदे के तो आपको पीछे ही जाना है, या फिर आप में से कोई भी बंदा बहुत ही ज्यादा नूब है लेकिन फिर भी उसको फर्स्ट राउंड में किल करने हैं, तो उसके लिए पता क्या करना है, सबसे पहले आपको लेनी है M500। उसके बाद आपको जाना है कहीं दूर और दूर जाके बैठ जाना है, लेकिन ऐसी जगह बैठना जहां से आपको आपके एनिमी और अपने टीममेट एक साथ लड़ाई करते हुए दिख जाएं। और बस दूर से स्कोप को ऑन ऑफ करते जाना भाई, पक्का एक ना एक किल तो कर ही दोगे। और अगर किल नहीं भी हुए तो भी भाई डैमेज तो दे ही दोगे ना बहुत सारा, जिससे कि आपके टीममेट उन्हें मार देंगे। साथ ही में एक चीज बहुत होती है फर्स्ट राउंड में, वो ये है कि भाई दो बंदे एक साथ चढ़ जाते हैं हमारे पे, है ना, तो हम लोग बस कंफ्यूज हो जाते हैं और मर जाते हैं। तो जब आपके ऊपर दो बंदे चढ़ जाए ना, तो उस टाइम पे आप सिर्फ और सिर्फ किसी एक बंदे पे ही फायर करा करो, ये कभी उस पे ऐसे फायर मत करा करो। और जब एक बंदा नॉक हो जाए तो किल की भूख में भाई वहीं पे उस नॉक वाले को ही मत मारने लग जाया करो, सिंपली वहां से भाग जाया करो। और जब आप भागोगे तो सेकंड वाला बंदा पक्का आपके पीछे भागेगा, तो बस आपको उस टाइम पे भाग के अपने टीममेट के पास चले जाना है, और फिर बस आपको तो पता ही आगे का क्या करना है। हमको नहीं पता, मतलब बेसिकली कहने की बात ये है कि मिलके बंदों को मारा करो, बंदों को मिलके उनसे मत मर जाया करो। और हाँ, आप ना थोड़ा सा कैंपिंग वगैरह भी करा करो यार सीएस रैंक में, हमेशा रश ही रश मत करते रहा करो। मतलब जैसे किसी राउंड में AWM उठाई और कहीं जाके बैठ गए, या फिर किसी राउंड में AC-80 ले ली और दूर से जाके ऑन ऑफ करने लग गए। और भाई एक टिप ना अब मैं आपको ऐसी बताने वाला हूँ जो कि आपको एकदम सुनते ही मजा आ जाएगा और आप बोलोगे कि अबे ये क्या बता दिया बे, गाली बकंगे। मेरा मतलब है कि आप बोलोगे कि भाई क्या ही बताया यार आपने। तो करना क्या है कि जब राउंड शुरू होता है ना, तो अपने साथ के भाई तीनों बंदों को जहाँ जा रहे हैं वो उन्हें जाने दो, ठीक है। और आप ना वहाँ पे कहीं मत जाया करो, सिंपली वहीं पे कहीं ना कहीं छुप जाया करो, और फिर 30-40 सेकंड बाद वहां से जाया करो। और जब आप थोड़ी देर बाद वहां से जाओगे ना, तो आप देखोगे कि यार आपके एनिमी ऐसी पोजीशन में है जिसमें आप उन्हें आसानी से मार सकते हो। क्योंकि भाई जो हमारे एनिमी होते हैं वो पूरे टाइम अपने पाले में थोड़ी घुसे रहते हैं, वो भी तो भाई रोटेशन मारते हैं से उधर। और आप अगर थोड़ी देर बाद जाओगे तो आप उन्हें भाई अपने पाले में पीछे से धप्पा कर दोगे। और मुझे पता है कि ये वाली ट्रिक बहुत लोगों को हजम नहीं होगी, तो बस इस ट्रिक के ऊपर कोई भी कमेंट करने से पहले ना थर्ड या फोर्थ राउंड में इसे यूज करके देख लेना, रिजल्ट आपके सामने होगा जैसे 10वीं और 12वीं का होता है। बस आप 30-40 सेकंड बाद निकल के जाना अपनी जगह से। और बाकी भाई मजे लो सीएस रैंक में, एक दो मैच हारने के चक्कर में अपने दोस्त से भाई लड़ाई भिड़ाई मत कर लिया करो, भाई गेम को एकदम एंटरटेनमेंट की तरह लिया करो, सीरियस मत करो। और अगर आपको सीएस रैंक पे और भी तगड़ी टिप्स एंड ट्रिक्स देखनी है, तो ये जो स्क्रीन पे वीडियो आ रही है ना, इस पे क्लिक करो और देखो, ये वीडियो मेरे दोस्त की है, इसमें भी आपको बहुत सारी ट्रिक्स मिल जाएंगी। और ये वाली वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक मारो, सब्सक्राइब मारो और अपने टीममेट के साथ भाई फटाफट से शेयर भी कर दो। मिलता हूं मैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।